आपका क्या हुआ? सीएम ने जो भी चांस दिया है वो सीएम आपके ज्यादा एक्सपेक्टेड चलेगा। मुझे लगता है कि इस समय हमें शांति चाहिए, नॉन वायलेंस चाहिए और एक दूसरे से बात करना चाहिए। इस सिचुएशन में आम आदमी का घर जल रहा है, आम आदमी का चर्च और मंदिर जल रहा है, एक मिनिस्टर का गाड़ी पर चल रहा है और इसके पीछे कौन है? सवाल पूछे और एक दूसरे का व्याख्या कीजिए, जिसका नुकसान कॉमन आदमी का हो रहा है, कॉमन फैमिली का हो रहा है और उन्हीं का नुकसान हो रहा है। आज ही एक विषय से बात हो रहा है, रशिंग डाउन मणिपुर। उन्होंने मुझे सवेरे फोन किया और उनका मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मणिपुर में सिचुएशन बहुत खराब है, मैं मणिपुर जा रहा हूँ। मणिपुर जाने के बाद मैं गवर्नमेंट इंडिया को पूरी करके आऊँगा, बुरा मत मानिए। मैं समझ सकता हूँ ये अर्जेंसी है, ठीक है, मैं और 4-5 दिन रुक जाऊँगा और 10 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने मुझे बुलाया है, मैं यही बात अमित शाह से भी बात कब आएगा? उसने उसने कहा कि मणिपुर को आज ही गया, जो शायद अभी लैंड करने वाला है मणिपुर, और उसके मणिपुर में 2-3 दिन शायद लगेगा उनको, उसके बाद उन्होंने खुद कहा, फोन करके खुद कहा है, उन्होंने माफ़ी प्रकट किया। मैंने कहा डरता नहीं, मैं समझ सकता हूँ मणिपुर में सिचुएशन खराब है, ये अर्जेंसी है। और मैं अमित शाह से भी 10 तारीख को मिलता हूँ और उसके बाद मुझे लगती है सिर्फ उनसे भी नहीं मिलेगा, सीएम से भी मिलेगा, आईपीएफटी के लीडर से भी मिलेगा, समाज पार्टी से भी मिलेगा। थैंक यू। क्या